हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल और पालक साग की सब्जी बनाएंगे। आज ये खाने के लिए जितना टेस्टी है उतना हेल्दी भी है और सिंपल सा रेसिपी है, इजीली आप एक घर में बना सकते हैं ये सब्जी को। तो चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। पालक साग की सब्जी बनाने के लिए ये सब सब्जी लिए हैं, पपैया, बैंगन, गाजर, बीन्स, कद्दू, मूली एक लिए हैं, टमाटर, एक आलू को छिलका निकाल के रखे हैं, फूलगोभी थोड़ा सा लिए हैं, कच्चा केला लिए हैं, ग्रीन मटर लिए हैं। आप कोई भी सब्जी पसंद नहीं है तो आप वो वेजिटेबल को स्किप कर सकते हैं। पालक साग को धो के अच्छे से रखे हैं। अभी सब वेजिटेबल को काट के धो के अच्छे से प्लेट में रखे हैं। पालक साग भी काट के रखे हैं। अभी कढ़ाई अभी गर्म हो गया है। अभी सरसों तेल 4 चम्मच डाल रहे हैं। सरसों तेल के जगह पर आप रिफाइंड तेल यूज कर सकते हैं। अभी 1.5 चम्मच पंचफूरन डाल रहे हैं। पंचफूरन को थोड़ा सा चटकने के लिए छोड़ देते हैं। 2 सूखा मिर्च को तोड़ के डाल देते हैं तेल में। अभी पंचफोरन चटक गया है। अभी 2 प्याज को काट के रखे थे, अभी डाल देते हैं कढ़ाई में। प्याज को थोड़ा भून लेते हैं। अभी प्याज थोड़ा भून गया है। सब वेजिटेबल जो काट के रखे थे अभी कढ़ाई में डाल देते हैं। अभी ग्रीन मटर डाल रहे हैं। एक बड़ा साइज टमाटर को काट के रखते हैं, वो भी डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक 1 चम्मच डाल देते हैं। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 चम्मच डाल देते हैं। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच डाल देते हैं। अभी सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कवर करके कुछ देर के लिए पकाने के लिए छोड़ देते हैं, गैस फ्लेम स्लो टू मीडियम में रख के। अभी थोड़ा चेक कर लेते हैं, 3 से 4 मिनट हो गया था। गैस फ्लेम स्लो टू मीडियम में रख के पका रहे हैं सब्जी को। अभी थोड़ा ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर से कवर करके कुछ देर के लिए वेजिटेबल को पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी फिर से कवर करके कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। अभी 5 से 6 मिनट हो गया है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। अभी सब्जी थोड़ा सा पक गया है। अभी इसी टाइम पर पालक साग जो काट के रखे थे अभी डाल देते हैं कढ़ाई में। अभी साग और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पालक साग जल्दी से पक जाता है इसलिए लास्ट में डाल रहे हैं। अभी अच्छे से मिक्स करके फिर से कवर कर लिए थे, अभी चेक कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट तक कवर करके रखे थे, बीच में एक बार मैंने चेक किया था। अभी सब सब्जी और साग थोड़ा पक गया है। अभी गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच मिला रहे हैं। गरम मसाला पाउडर के जगह पर आप कोई भी करी पाउडर 1/2 चम्मच यूज कर सकते हैं। अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहेंगे ऊपर नीचे करके।
अभी हमारा वेजिटेबल और पालक साग की सब्जी बन गया है। अभी गैस को ऑफ कर देते हैं। आप इस सब्जी के साथ रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं। आज का रेसिपी अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन को क्लिक करिए नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।